तो हेलो दोस्तों, आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने जियो सिम पे मैसेज के थ्रू कैसे जियो कॉलर ट्यून लगाना है ये बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों ये आपको मालूम नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है जियो यूज़र्स के लिए, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक जो है जियो सिम पे ही काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ आपको मैसेज के थ्रू आप जियो में कॉलर ट्यून कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैसेज सेक्शन पर जाना है। उसके बाद दोस्तों हम जैसे मैसेज वाले चले जाएंगे मैसेज वाले सेक्शन पे, फिर हमें यहाँ प्लस का निशान दिख रहा है उस पर हमें क्लिक कर देनी है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ऊपर में 2 लिखा हुआ है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे नंबर डालनी है। तो कौन सा नंबर डालना है मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों जियो कॉलर ट्यून सेट करने के लिए हमें 5 6 7 8 9 ये नंबर हमें डाल देनी है। और फिर दोस्तों हमें यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हमें क्लिक करनी है। और दोस्तों यहाँ पर हमें टेक्स्ट मैसेज पर कुछ मैसेज सेंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। हमें लिखना है यहाँ पे जे कैपिटल लेटर में और फिर टी, उसके बाद हमें यहाँ पे सेंड कर देनी है। तो हम सेंड कर देते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना है इसके लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें रिप्लाई आ चुका है। अब दोस्तों हमें उसका फिर रिप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे जाऊँगा और फिर मैं रिप्लाई करूँगा। तो देख सकते हैं आप, कोई सा भी मूवी एल्बम या तो सिंगर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए सिंगर ले लूँगा। तो हमें क्या करना है, अगर जैसे ही मैं सिंगर लूँगा, लिखना पड़ेगा हमें सिंगर कैपिटल लेटर में। जैसे कि मैंने सिंगर ले लिया, उसके बाद स्पेस देना है। अगर दोस्तों आप अगर मूवी लेना चाहते हैं यहाँ पे मूवी लिखेंगे, या कोई एल्बम लेना चाहते हैं एल्बम लिखेंगे इसके जगह, उसके बाद स्पेस दे देंगे और उस एल्बम या मूवी या कोई सिंगर का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंगर का नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने सिंगर का नाम लिख लिया यहाँ पे, और फिर हमें सेंड कर देनी है यहाँ से। हम थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद सेंड करने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका मैसेज हमें रिप्लाई में। आप देख सकते हैं उसके बहुत सारे सॉन्ग आ चुके हैं। तो फिर हम कोई सा भी सॉन्ग सेलेक्ट कर लेनी है हमें। तो मैं यहाँ पर कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कोई सा भी सॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के दिखाने के लिए आप लोग को। तो यहाँ पे मैं उसका नंबर सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 नंबर, तो मैं 2 लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर यहाँ से सेंड कर दूँगा। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिप्लाई आ चुका। उसके बाद फिर हमें 1 क्लिक करनी है, यहाँ से 1, फिर हमें यहाँ सेंड कर देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रिप्लाई आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डियर कस्टमर, यू हैव रिक्वेस्ट योर एक्टिवेशन योर जियो ट्यून सर्विस टू कंफर्म प्लीज वाई टू दिस मैसेज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर हमें वाई लिखना है, उसके बाद फिर सेंड कर देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कॉलर ट्यून है यहाँ पे सेट हो चुका है। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों आप अपने मैसेज के थ्रू अपने जियो में जियो सिम पे कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।